अगर आप सूजी पोहे का नाश्ता खा खा कर हो गए हैं बोर, तो आज हम बनाने वाले हैं प्याज के बहुत ही डिफरेंट टाइप के पराठे। तो स्वागत है आपका मालाज कुकिंग तड़का में। चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्याज ले लिए हैं, थोड़े बड़े साइज के हैं, और इन्हें अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद ये देखिए, इसके जो ऊपर वाला जिससे ये ज्वाइंट होता है, इसे हम काट कर अलग कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से इसकी स्लाइसेस हम कट कर लेंगे, पतली पतली स्लाइसेस इसकी कट कर लीजिए। तो सारे प्याज को हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमने पूरे प्याज की स्लाइसेस कट कर ली हैं। और अब ये देखिए, हाथों से इस तरीके से इसे हम मसल देंगे तो इसकी जो एक एक लेयर है प्याज की, वो खुल जाएगी। तो बस इसी तरीके से हमें पूरी प्याज खोल लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उस पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होते ही आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसे इस तरीके से हम ग्रेट कर देंगे। तो जब आप इस तरीके से फ्रेश अदरक को ग्रेट करके डालेंगे तो आपके जो नाश्ता बनाएंगे उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी, तो हमने ये जो प्याज स्लाइस करके रखी थी, ये इस पर हमें डाल देना है। ध्यान रहे, इस प्याज के हम पराठे बनाने वाले हैं, ना कि सब्जी। तो हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस हल्का सा ही इसे हम सॉटे करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, साथ में 2 हरी मिर्च बारीक, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ भुना जीरा पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मसालों को बढ़िया से प्याज के साथ में भून लीजिए, ताकि मसाले में भी कच्चापन ना रहे। और अब ये देखिए, बढ़िया से हमारे मसाले और प्याज भुन गए हैं। तो अब ये मैं ले रही हूँ बेसन। तो बेसन इसमें हम 3 बड़े चम्मच डाल देंगे। बेसन डालने से जो हमारे पराठे बनेंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल एकदम डिफरेंट बनेंगे और बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो बेसन को बढ़िया से हमें भून लेना है प्याज के साथ में। और ध्यान रहे, इसमें अभी मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालते ही प्याज जो है वो पानी रिलीज कर देगी, इसलिए नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। तो ये देखिए, करीब 1 मिनट तक हमने बेसन को अच्छे से भून लिया है और बेसन का कच्चापन पूरी तरह से निकल चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इस पर नमक डाल रही हूँ। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। हम लोग सेंधा नमक खाते हैं, तो मैं सेंधा नमक ही डालती हूँ। अब नमक को भी अच्छे से हम इसके साथ में मिला देंगे और बस 1 आध मिनट इसे और हम इसी तरीके से चला लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियाँ, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आप इसमें कसूरी मेथी डालना चाहते हैं, तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं। और बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, गैस की फ्लेम बंद कर दें। और अब इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है, तब तक इसका हम आटा लगा लेते हैं। 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और 1/4 कप मैंने इसमें बेसन लिया है। ये मान के चलिए कि ये 3 बड़े चम्मच बेसन मैंने लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून जो भी तेल आप खाते हो या फिर घी आप खाते हो, मोयन के लिए डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और 1/2 टीस्पून इस पर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, या फिर कुटी हुई मिर्ची आपके पास हो लाल वाली वो डाल दीजिए, और नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका रोटी जैसा डो लगा लेना है, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं, बस वैसा ही डो मैंने इसका लगा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ऑयल इसमें ऊपर से लगा देंगे, ताकि जो हमारा डो है बढ़िया से चिकना हो जाए। तो ये लीजिए, इसे अच्छे से हमने लगा दिया है। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। और 10 मिनट के बाद आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसमें से हम नींबू के आकार की एक लोई तोड़ लेंगे और इसे हम इस तरीके से गोल कर लेंगे। इसके बाद चपटा करेंगे और रोलिंग बोर्ड पे हम इसे रखेंगे, और रख करके इसे हमें बेल लेना है। तो रोटी के आकार में इसे हमें बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे हमें रोल आउट कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मसाला प्याज वाला था ना, उसे हम लेंगे और इस तरीके से इस पे हम रख लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से इसे रखेंगे और ये देखिए इसे हमें कैसे फोल्ड करना है। इधर से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद नीचे से इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कुल मिला के हमें इसका ट्रायंगल शेप बना लेना है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए थोड़े से मेरे पास ये तिल हैं, सेसमे सीड्स हैं, ये मैं ऊपर से इसमें लगा दूंगी और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां हैं इसे हम ऊपर से लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें जो फ्लैक्स सीड आते हैं ना, यानी कि अलसी के बीज, उसे भी आप इसमें ऊपर से लगा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, चाहे तिल के बीज हों या फिर अलसी के बीज हों। तो ये देखिए इस पे लगाकर हमने इसे बेल लिया है, बहुत ही बढ़िया इसकी लुकिंग आएगी और साथ ही खाने का टेस्ट भी इससे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से पूरे पराठों को हम बेल लेंगे और अब हम गैस पर तवा चढ़ा देंगे और इसके बाद इस पे हम एक पराठा डालेंगे और पराठे को एक साइड से सेक लेंगे और दूसरे साइड से भी हम पलट करके सेक लेंगे। तो अभी हमने इसमें तेल नहीं लगाया, जब दोनों तरफ से इसे हम अच्छे से सेक लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ये सिक जाएगा, तब हम इसमें घी, तेल, बटर जो भी आप खाते हो वो लगा लें और दोनों साइड से घी तेल लगा लें और बढ़िया से इसका पराठा सेक लें। पराठा सेकते समय ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आप कम घी खाते हैं तो थोड़ा सा कम घी या तेल लगाएं और इस तरीके से आप दबाते हुए पराठे को सेकेंगे तो बढ़िया सा अंदर तक हमारा पराठा अच्छे से सिक जाएगा और बहुत ही करारा सा हमारा पराठा बन करके तैयार होगा और आपको ज़्यादा घी या तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से जब भी हम पराठा बनाएंगे और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका पराठा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगा। और ये देखिए बहुत ही शानदार हमारा ये पराठा बन करके तैयार है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं और ये लीजिए दोस्तों हमारा दूसरा पराठा भी बन करके तैयार है। तो बस अब इस पराठे को प्लेट में आप सर्व कर लीजिए। आप इसे दही की डिप के साथ में खाइए या फिर चटनी सॉस के साथ में खाइए, सभी के साथ में ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा और बिल्कुल भी आपका मन नहीं भरेगा। आप एक के बाद एक पराठा खाते जाएंगे और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप खाना बंद कर दें, क्योंकि ये इतना ही टेस्टी बनता है जितना कि मैं बता रही हूँ। तो इसे बना करके ट्राई करना तो बनता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं ना अंदर कितनी बढ़िया से हमारी स्टफिंग भरी हुई है, प्याज के एक एक लच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही गजब का टेस्ट है इन पराठों का दोस्तों। तो बना करके एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें।